प्यारे दोस्तों असल वरम्ला जे एफ एस वन आफ इट्स काइंड में आपका खैर मकदम है वीडियो शुरू करने से पहले अर्ज़ यूं है कि कुछ दोस्त हमारी वीडियोस को डाउनलोड करके अपने फेसबुक पेजेस और यूट्यूब चैनल्स पर अपलोड करते हैं जो कि सरासर गैर अखलाकी अमल है और कापी राइट एक्ट में भी है आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बरह रास्त शेयर करें शुक्रिया दोस्तों आज हम आपको कश्मीर के चंद मशहूर हर्बल प्लांट्स के बारे में बताने जा रहे हैं उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो चलिए शुरू करते हैं कश्मीर को जमीन पर जन्नत कहा जाता है कुदरत ने जहां इसको बेपनाह खूबसूरती और हुसन से माला माल किया है वहीं यहां की वादियों में सैकड़ों किस्म के हर्बल प्लांट्स भी पाए जाते हैं जो न सिर्फ यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं बल्कि उनका मेडिसनल और ऑरोमेटिक वैल्यू भी है नंबर एक सैफरान जिसे उर्दू में जाफरान कश्मीरी में कोंग और हिंदी में कैसर कहते हैं जिन चीज़ों से कश्मीर की शनाख्त दुनिया भर में होती है उनमें एक मशहूर तरीन चीज़ जाफरान है ये एक फूल से हासिल किया जाता है कहा जाता है कि सबसे पहले जाफरान ईरान में उगाया गया और इस वक्त दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में काश्त होता है कश्मीर में ज़ाफरान किस तरह आया इसके बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है लेकिन यह बात सच है कि कश्मीरी जाफरान इस वक्त दुनिया के महंगे तरीन जाफरानों में से एक माना जाता है कश्मीरी ज़ाफरान अपनी बनावट गहरे कुदरती रंग खुशबू और दीगर कई खूबियों की वजह से खास समझा जाता है इसकी सबसे ज्यादा काश्त पांपोर कस्बा में होती है इस वजह से इस कस्बा को ज़ाफरानी कस्बा भी कहा जाता है इसके अलावा बड़गाम श्रीनगर के कुछ बाहरी हिस्सों और कश्तवाड़ में भी जाफरान की काश्त की जा रही है जाफ़रान का इस्तेमाल आमतौर पर खाने पीने की चीजों में जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है जबकि इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा है माना जाता है कि ये एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत सारी बीमारियों के इलाज में मदद देता है ज़ाफरान एक नेचुरल डाई के तौर पर भी इस्तेमाल होता है कश्मीर का जाफरानी कहवा दुनिया भर में मशहूर है हमारे हिंदू भाई भी जाफरान को अपने धर्म में बहुत अहमियत देते हैं नंबर दो ओडोरेटा इंग्लिश में स्वीट वॉयलेट बनफशा या गुलबन गुलब बनाफ् को इसके मेडिसिनल वैल्यू के लिए जाना जाता है ये खास तौर से कश्मीर में पाया जाता है बनफशा का इस्तेमाल यूनानी और आयुर्वेदिक साइंस में किया जाता है ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे खांसी जुकाम बुखार अस्थमा वगैरह के इलाज के लिए मुफीद समझा जाता है यह फूल मई जून से लेकर अगस्त तक खिलता है और आमतौर ऊंचाई वाले इलाकों में पाया जाता है नंबर तीन हिसोफस ऑप्शनल इसे गुलज़ोफा से भी जाना जाता है गुलज़ोफा भी कश्मीर में पाया जाने वाला एक हर्बल फ्लोवरिंग प्लांट है इसके अलावा ये जुनूबी यूरोप के ममालिक में भी पाया जाता है यह आमतौर पर 8000 से ग्यारह हजार फुट की बुलंदी पर पाया जाता है इसका इस्तेमाल भी खाने पीने की चीज़ों में जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है और मेडिसिनल वर्ल्ड में भी इसकी बहुत अहमियत है इसको जादुई तासीर वाला हर्ब समझा जाता है और आज भी कई घरों में म्यादे और गले की सूजन की कुदरती दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है नंबर चार आर्टमीजिया उर्दू में एपसेंतीस और कश्मीरी में टैठवन के नाम से जाना जाता है यह हर्ब भी एशिया और यूरोप के ममालिक में पाया जाता है यह जम्मू कश्मीर के दोनों खितों के साथ साथ लद्दाख में भी पाया जाता है इसके आठ से दस किस्में पाई जाती है यह आमतौर पर हाई अल्टीट्यूड पास्टर्स और जंगलों में कुदरती तौर उगता है इसको मैदानी इलाकों में भी उगाने की कोशिश की जा रही है टैठवन का इस्तेमाल भूख न लगने म्यादे की खराबी गाल ब्लेडर और आंतों के इलाज में कारगर माना जाता है इसका जायका बहुत तीखा होता है कश्मीरी लोक रिवायत के मुताबिक टेटवेन को हाई ब्लड शुगर के इलाज में मुफीद समझा जाता है नंबर पाँच पोडोफिलियम हेक्सेंड्रम। इसे इंग्लिश में हिमालयन मे ऐपल हिंदी में बन कगड़ी और कश्मीरी में वन वांगुन के नाम से जाना जाता है यह हरब अफगानिस्तान भूटान मगरबी चीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में पाया जाता है इसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक के साथ साथ बाकी रिवायती इलाज के तरीकों में भी किया जाता है ये कब्ज सर्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बुखार और दीगर इन्फेक्शनज वगैरह के इलाज में कार आमद होता है नंबर अकीलिया मिलफोलियम इंग्लिश में कॉमन योरो उर्दू में आम योरो और कश्मीरी में पहल घास के नाम से इस हर्ब को जाना जाता है ये एक एवरग्रीन पौधा है जो अपनी तेज भू के लिए जाना जाता है इसका इस्तेमाल भी दवाइयाँ बनाने में होता है ये बुखार नज़ला भूख न लगने और आंतों की बीमारियों के इलाज में मुफीद समझा जाता है कुछ लोग इसके पत्तों को चबाकर दांत के दर्द का इलाज भी करते हैं यह एशिया और यूरोप के अलावा नॉर्थ अमेरिका के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है भारत में ये हिमालयाई इलाकों हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के बालाई इलाकों में पाया जाता है ये पेशकश आप जे एफ एस वन ऑफ इट्स काइंड पर देख रहे हैं आप हमें जे एफ एस वन ऑफ इट्स काइंड के फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं नंबर सात टेरेक्स कम ऑप्शनल या डेंडिलिया इसे उर्दू में कासनी और कश्मीरी में हंद के नाम से जाना जाता है ये एक फूलदार पौधा है जिसका फूल जर्द रंग का होता है जो बाद में एक सफेद बाल जैसी शक्ल इख्तियार करता है ये कश्मीर में बहुत आम हर्ब है जिसका ज्यादा इस्तेमाल यहाँ किया जाता है इसके पत्ते फूल और जडों को इस्तेमाल में लाया जाता है ये बहुत न्यूट्रेशस माना जाता है इसमें एंटी भी मौजूद हैं इसको इन्फ्लेमेशन के खिलाफ मुफीद समझा जाता है ब्लड शुगर लेवल को कम करने में इसको कार माना गया है जिगर की सेहत के लिए भी ये बहुत मुफीद है कश्मीर में इसको सुखाकर कर इस्तेमाल करने का रिवाज आम है और आम तौर पर सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है कासनी को कश्मीर में सुखाकर कर इस्तेमाल करने का रिवाज रहा है और आम तौर पर सर्दियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है इसको रिवायती तौर पर दूध पिलाने वाली माओं के लिए एक ताकतवर गज़ा समझा जाता है नंबर आठ रियम इमोडी उर्दू या हिंदी में रिवंड चीनी और कश्मीरी में इस हर्ब को पम सालन के नाम से जाना जाता है ये एक ऐसा हर्ब है जिसकी जड़ों और अंडरग्राउंड सिस्टम को मेडिसन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इसका इस्तेमाल कब्ज डायरिया म्यादे की जलन और दीगर कुछ बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है रिवायती चीनी तर्ज इलाज में इसका इस्तेमाल वसी तौर पर किया जाता है ये ज्यादा बालाई इलाकों और जंगलों में पाया जाता है रिवायती तौर पर पमसालन का इस्तेमाल बड़े शौक से कश्मीर में किया जाता है पुराने जमाने में इसके पत्तों को बतौर सब्जी इस्तेमाल किया जाता था प्यारे दोस्तों ये आज हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि हम आप तक कुछ मुफीद इंफॉर्मेशन पहुँचा सकें इस वीडियो के जरिए हम अपनी यंगर जनरेशन को अर... कश्मीर के हर्बल ट्रेजर्स के बारे में बताना चाहते हैं हमारा मकसद ये भी है कि हमारी नई जनरेशन अपने शानदार पास्ट के साथ कनेक्ट कर पाए अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाजत अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज